आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 4.1। तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि क्या होती है, आज एक जनरल इक्वेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक का। एक्स स्क्वायर जनरल इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आप पहले भी देख चुके हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए, एक्स का कोफिशियंट बी और कांस्टेंट हमारे पास सी है। इसी में मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी सिखा चुकी हूं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4.1 में, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास है कि हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री। क्लियर? तो इसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, अगर आपको याद है तो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू एक्स, टू थ्री जो सिक्स। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रही हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, वन प्लस सिक्स सेवन और ये दोनों कैंसिल आउट। तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यस, तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर आपके सारे क्वेश्चंस इस फॉर्म में आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो आप करोगे यस, अदरवाइज नो। क्लियर? तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। हमारे पास एरिया है एल इंटू बी, वैल्यू पुट करेंगे। एरिया हमें गिवन है 528 इज इक्वल टू, एल हमने क्या निकाला 2x प्लस वन और b है x। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 528। क्लियर? इतना ठीक है, आगे करते हैं। इसको मैं एक ही साइड लेके आ जाती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा बना 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। अब इसको सॉल्व करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। वैसे तो क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, तो हमने ये निकाल ली है। अगर आपके पास आता है कि आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। ये है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट टू यानी ए और ये सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन यानी कि 2 इंटू 528 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनके ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पे 1 आना चाहिए। क्लियर? तो आप लोग क्या करते हो, पहले से मल्टीप्लाई करोगे फिर उसे ब्रेक करोगे, है कि नहीं है? तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी को ब्रेक कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं शॉर्टकट में। 528 है, इसको मैं डिवाइड करूंगी 2 से, तो कितना बनेगा 2 टू जो 4, 2 6 जो 12 और 2 4 जो 8, ये इतना ब्रेक हो गया। यानी कि 2 से मैंने 528 को डिवाइड करा तो 264 इंटू 2 ही तो आएगा। ये लिख सकती हूं ना मैं इसको, फिर से इसको ब्रेक करते हैं। 2 इंटू 2 मैंने इधर लिख लिया, 264 को ब्रेक करूंगी तो 2 1 जो 2, 2 3 जो 6, 2 2 जो 4 और ये 2। यानी कि 264 को मैं 132 इंटू 2 लिख सकती हूँ। क्लियर? फिर से ब्रेक करते हैं, 232 को 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 आगे लिखते हैं, करते चले जाओ 33 इंटू 2 और ये बनेगा आपका 3 इंटू 11। अभी आगे ब्रेक नहीं होगा, है कि नहीं? अब लास्ट में जो ये आपके पास फैक्टर्स आए हैं, इनको आपने इस तरह से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो यही नंबर आएगा, लेकिन उनको आपस में माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए।
तो करते हैं, देखते हैं 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, ये बन आपका 32 और 11 थ्री जा 33। तो ये दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कंप्लीट नंबर बनेगा और माइनस करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो दो फैक्टर आपके पास आ गए, क्लियर। तो हम लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहां से आप x कॉमन लीजिए तो ये बनेगा 2x प्लस 33, और यहां से आप कॉमन लेंगे 16 को, माइनस 16, तो ये आपका बनेगा 16 टू जा 32 और प्लस में 33 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस 33 एक टर्म और x माइनस 16। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस, किसी की लेंथ माइनस में हो सकती है क्या? नहीं, तो ये तो हमारी लेंथ नहीं होगी या ब्रेथ नहीं होगी। तो x इक्वल टू 16, ब्रेथ कितनी आ गई, x इक्वल टू 16। जब x 16 है, ब्रेथ 16 है, तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 1, 32 प्लस 1 33, ये आपकी आ गई लेंथ और ब्रेथ, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, का सेकेंड पार्ट है आपके पास, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव है यानी कि एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नंबर आता है, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आता है या 2 के बाद 3, तो ये कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो हम करते हैं आगे, सपोज करो एक नंबर हमारे पास है, लेट नंबर बी एक्स एंड एक्स प्लस 1, ये दो नंबर हो गए, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई 306 है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 306 को मैं इधर लेके आ गई, तो इसे भी आप ऐसे ही स्प्लिट करके आंसर निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की जो मदर है वो रोहन से कितनी है, 26 ईयर ओल्डर है। लेट रोहन बी, रोहन्स एज बी एक्स, रोहन की जो एज है वो एक्स है, तो मदर की कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज उससे कितना ज्यादा है, x प्लस 26 ज्यादा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा हम वही कर रहे हैं। अब वो कहता है कि इससे 3 साल बाद, 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 होता है। अच्छा, अगर आप अभी 15 साल के हो तो 3 साल बाद कितने के होंगे, 15 प्लस 3 18, तो रोहन कितने का है, x, तो आफ्टर 3 इयर्स तीन साल के बाद रोहन कितने का होगा, x प्लस 3, और मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज विल बी x प्लस 26 प्लस 3 29, ठीक है। अब उनकी एज का प्रोडक्ट, इनकी जो एज है इसका प्रोडक्ट कितना है, 360। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे कि आपके रोहन की एज और उसकी मदर की एज आ जाएगी, क्लियर।